वालेकुम नाज़रीन हमारे स्कूलों में मैट्रिक की सतह पर जो साइंसी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री इन मज़ामीन में से एक अहम मजमून है नवी और दसवीं जमात के तलबा और तालिबा को इसके समझने और इसके मुताले में जो मसाइल दरपेश होते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इन मसाइल को मद्दनज़र रखते हुए कैमिस्ट्री के नवी और दसवीं जमात के तलबा और तलबात के लिए दस प्रोग्राम तरतीब दिए हैं और ये इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में हम आपको इल्म कीमिया की तारीफ तारीख़ इसकी तारीख़ के मुख्त अदवार में तरक्की इसकी और इसकी मुख्त शाखों के बारे में बताएँगे इसके अलावा इलम कीमिया में पैमाइश की अक्इयों यानि एस यूनिट्स और पैमाइश के इस्तेमाल में आने वाले आलत के बारे में भी बात होगी आखिर में रोज़मर ज़िंदगी में इम कीमिया की अहमियत के बारे में भी बात करेंगे तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इलम कीमिया किसे कहते हैं आम तौर पर इलि कीमिया की तारीफ़ यूँ की जाती है कि इल्म कीमिया कुदरती इल्म की वो शाख है जिसके ज़रिए मादा चीज़ों की खासियतें उनमें होने वाली तब्दीलियों और उन कवानी जिनके तहत ये तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं के मुताले से ताल्लुक़ रखती है आइए अब ये देखते हैं कि वह मादी अशिया क्या हैं उनकी क्या ख़ासियतें हैं और उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं मादा या मैटर की तारीफ़ यूँ की जाती है कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो मादा कहलाती है मसलन लोहा पानी और गैस वगैरह ये तो आप जानते हैं कि हर चीज़ की अपनी अलहदा खासियत होती है मसलन लोहा एक सियाई माइल ठोस धात है जिसकी अपनी मखसूस कसाफत या एक भारीपन है जबकि शक्कर एक सफ़ेद क्रिस्टल है जिसका जायका मीठा होता है और पानी एक बेरंग बेबू माया यानी लिक्विड है जबकि ऑक्सीजन एक बेरंग गैस है ये तो आप जानते हैं कि हर मादी चीज़ इन तमाम अवामिल के तहत उनमें तब्दीलियाँ वाक़ हो सकती हैं मसला लोहे को जंग लग सकता है पानी बर्फ़ में तब्दील हो सकता है और लकड़ी जलकर राख बन सकती है लिहाजा केमिस्ट्री का ताल्लुक ऐसे अवामिल और उन से है जिनके तहत मादी एशिया में तब्दीली या चेंज वाक़ हो सकती है। इल्म कीमिया के मताले के दो मखसूस पहलू हैं जिनमें से एक का तालक चीज़ों की बनावट और साख्त को समझने से यानि मादी एशिया में मौजूद जरात की तश्कील तरतीब से है और जबकि दूसरे का ताल्लु इन मादी एशिया में चांद की वजह से होने वाली तबयही और कीमियाई तब्दीलियों की से वाकफियत हासिल करने से है नाजरीन इससे पहले कि इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं यह जरूरी है कि हम जान लें कि मुखलिफ अदवार ने किस तरह तरक्की की इंसान इब्तदाई से अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाली अशिया के मुतालिक जानने की कोशिश करता रहा है मसलन सबसे पहले जब उसने लकड़ी को जलाकर आग पैदा की तो दरअसल उसने जलने वाले अमल कम्बसन और अमले अहतराक को दरियाफ़्त किया इसके बाद लकड़ी तो जल कर राख में तब्दील हो गई और उसने ये बात जानी कि लकड़ी को तो आग लग जाती है लेकिन पत्थर को आग नहीं लगती इंसानी तहजीब के इस इब्तदाई मराहल में इंसान ने चंद धातुएं दरियाफ़्त कि जिसमें तांबा चांदी, सोना पीतल वग़ैरह शामिल है ना सिर्फ ये बल्कि इंसान ने हवाना और नबाता से हासिल होने वाली चीज़ें भी दरियाफ्त कि जिनमें तेल रंग और अद्वियात शामिल थी इस तरह इंसान ने अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाली अशिया के मुतालिक इतनी मालूम हासिल कर ली कि जिसे हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि इल्म कीमिया की कीमिया दरअसल इंसानी तहजीब की इब्तदा है कदीम ज़माने से ही कीमिया कम कीमती धातों को बेशकीमती धातों में तब्दील करने के मकसद में लगे रहे उनका दूसरा मकसद आब हयात की तैयारी था और तीसरा मकसद धातों को खालस हालत में हासिल करना था इन कीमिया की तारीख को को समझने के लिए हम इसे मुख्तफ अदवार में तकसीम कर सकते हैं पहला दौर यूनानी फिलासफरों का दौर है जिसे हम ग्रीक पीरियड का नाम देते हैं दूसरा दौर अमली कीमियागरों का है जिसे अल्केमिकल पीरीड कहते हैं तीसरा दौर तबी दौर यानी मेडिकल पीरीड है चौथा दौर फ्लाजस्टिन पीरियड है और आखिरी दौर जिसे हम जदीद दौर या मॉडर्न पीरियड कहते हैं ये मैंने आपको बताया कि पहला दौर यूनानी फ़िलासफ़रों का है यूनानी फिलासफर साइंस को नज़रियाती तौर पर पे पेश करते रहे हैं उनके मुताबिक दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो चार अनासर से मिलकर बनी हैं जिसमें मट्टी आग पानी और हवा शामिल है इनकी मुख्तलिफ़ मकदार से मुखलिफ़ चीज़ें वजूद पाती हैं इसी तरह जौहर के मतलब भी उनका तस्वर नजरियाती था मसल डेमोक्रेट्स ने यह बताया कि दुनिया में जो भी मादी चीज़ें मौजूद हैं वो छोटी से छोटी ज़र्रात से मिलकर बनी हैं जिसे हम ऐटम कहते हैं ऐटम के मानी है नाकबिल तकसीम ज़र्रा यूनानियों के बाद अल्कीमिया का दौर आता है जिसमें बहुत जहन और काबिल साइंसदान पैदा हुए जिन्होंने तजर्बात की बिना पर नए अनासर दरियाफ्त किए जिसमें आशनिक एंटीमनी और बिस्मस शामिल हैं इसके अलावा बहुत से मरकबाद और आलत तजवीज़ किए गए मसलन अमले कशीद के लिए मुख्तिक़स्म के रिटॉट कीमियाई तमालत के कोठाली का इस्तेमाल और हरारत के लिए भट्टी का इस्तेमाल दरियाफ्त किया गया इस दौर को बजाय तौर पर मुसलमान साइंसदानों का दौर कहा जा सकता है क्योंकि इस दौर में मुसलमान कीमियादानों ने मुशाहत और तजर्बात की मदद से मुख्तलिफ कीमियाई अमल दरियाफ्त किए जिनमें कैल्सिनेशन, तकरीब हरारत का अमल डिस कशीद यानी अर्क निकालने का अमल सब्लीशन यानी ठोस को बरह रास्त बुखारात में तब्दील करने का अमल फिल्ट्रेशन, अमले तकदीर और फरमेंटेशन अमले तखमीर इस अहद के दरियाफ हैं इस दौर में जो मुसलमान की मैदान गुजरे हैं उनमें जाविर बिन हयान का नाम सरफहरिस्त है ये वो पहला की मैदान था जिसकी एक बाकायदा तजर्बा थी और वो बहुत से कीमियाई अवामिल से वाकिफ़ था जाविर बिन हयान ने सबसे पहले सफ़ैद सफैदा ईजाद किया जो कि सफ़ेद रंग के तौर पर इस्तेमाल होता था वह फलासाजी चमड़े और कपड़े रंगने और वार्निश बनाने के तरीक़ों से बखूबी वाकफ़ था वो शोरे के नमक के के का तेज़ एसिड नमक का तेजाब एसिड का मूजे समझा जाता है जाबर बनहान के बाद एक और मुसलमान साइंसदान बकर मोहम्मद ज़िक्रिया राजी का जिक्र आता है ये वो पहला कीमियादान था जिसने मरकबा को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया पहला ग्रोह मादनियात यानी मिनरल्स का है और दूसरा ग्रोह नबातात और तीसरा ग्रोह हैवानी मरकबा और चौथा ग्रोह डराइव केमिकल्स यानी माखूज मरकबाद का है ग्रहों की यह तकसीम किसी हद तक आज भी कायम है अराजी के बाद एक और मुसलमान सांसद अबू अली सीना का जिक्र आता है जिसे इस्लामी दुनिया का अरस्तु कहा जा सकता है अबू अली सीना ने तकरीबन सात सौ साठ अदवियात दरियाफ्त कि वह एक अजीम कीमियादान माहिर तबियात और दबास था अबू अली सीना ने पहली बार इस ख्याल की तरदीद की कि आम धातों को सोने में तब्दील किया जा सकता है अल्कीमिया के बाद एक बहुत अहम दौर जदीद दौर का आगाज़ होता है जो कि सत्रहवीं सदी से शुरू होता है इस दौर के फ्रांसीसी साइंसदान लिवाजे को बजा तौर पर मौजूदा इल्म कीमिया का बानी कहा जा सकता है क्योंकि उसने पहली बार ये साबित किया कि ऑक्सीजन और जन्ने वाले मादे के कीमियाई मिलाप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी पैदा होते हैं उन्नीसवीं सदी ने बहुत से कीमियादान पैदा किए की जिन्होंने सोच बचार मुशाहदात और तजर्बात के नतीजे में बहुत सी इजादत की अगरचे इन कीमियादान और साइंसदानों की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन चंदे के बारे में हम आपको बताते हैं बरतानिया के साइंसदान जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जोहरी नज़रिया पेश किया स्वीडन के साइंसदान ब्रजीलियस ने अनासर यानी एलिमेंट्स की अलामात को लफजी तौर पर तहरीर किया जो कि आज तक राइज है बरतानिया के सांसदान माइकल फैराडे ने महलोर यानी सॉल्यूशन पर बिजली के असर का तफसीली जायजा पेश किया उन्नीसवीं सदी के आखिर में एक अमरीकी साइंसदान गिब्स ने ठोस को माए और माया को गैस में तब्दील करने के कवानी दरियाफ्त किए एक और साइंसदानस ने कीमियाई तमाम में तोानाई के कवानी को वाजे किया मैंडेलीफ ने अठारह में पहली बार कीमियाई अनासर की गिरोहबंदी की जो कि आज तक कायम है अठारह में फ्रांस के सांसद हैनी बैकर ने ताबकारी यानी रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त की और इसके साथ उसने दो अहम अनासर यानी रेडियम और प्लूटोनियम दरिया किए बरतानिया के साइंसदान रदरफोर्ड और नील बोर ने एटम की साख्त के बारे में दूर रस तहकीकत की, जिनके नतीजे में मादे के तरीक़े अमल और कीमियाइल बॉन्ड की माहियत को समझने में मदद मिलती है अठारह सौ पचास तक यह ख्याल किया जाता था कि नामियाती मरकबात को तैयार में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इनकी तश्क़ील में एक कुवत हयात यानी वाइटल फोर्स का अमल दखल है लेकिन एक जर्मन साइंसदान फ्रेडरिक व्ल ने गैर नामियाती मरकबाद से एक नामियाती मरकबा यूरिया तैयार किया जिससे कुत हयात यानी वाइटल फोर्स का मफरूज़ा या तखयल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया नाज़रीन, आपने जान लिया कि इल्म कीमिया ने मुख्तफ हदवार में क्या क्या तरक्की की ज़ाहिर है, है यह इल्म अगर यूँ आगे ना बढ़ता तो आज इस नहज पर ना होता तो आइए अब हम इम कीमिया की मुख्त शाखों यानि ब्रांचिस के बारे में बात करते हैं इल्म कीमिया के मताले में आसानी पैदा करने के लिए इसे आठ मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है इल्म कीमिया की पहली शाख को नामियाती कीमिया यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इस शाख के ज़रिए कार्बन के मरकबात का मताल किया जाता है ये मरकबात नबातात हवानात और पेट्रोलियम से हासिल किए जाते हैं साइंसी तहकीक़ और तजर्बात के जरिए तजर्बा गह में भी तैयार किए जाते हैं बहुत से कैमिकल्स और अद्वियात इस शाख के नतीजे में बनाए जाते हैं इल्म कीमिया की दूसरी शाख को गैर नामियाती कीमिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं ये शाख मुख्तलि मदनियात धातों और इनसे बनाए जाने वाले मरकबात के मताले से ताल्लुक़ रखती है इल्म कीमिया की तीसरी शाख को तबई कीमिया या फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं इस शाख के ज़रिए कीमियाई तमिलत तो और जोहरों के बाहमी मिलाप के तरीकों असूलों और नज़रियात की वजाहत की गई है इल्म कीमिया की चौथी शाख को तजियाती कीमिया या एनालिटिकल कैमिस्ट्री कहते हैं इस शाख के ज़रिए मादी एशिया के मुख्तलिफ नमूनों का कीमियाई तजिया किया जाता है और ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि ये मादी एशिया किन अनासर से मिलकर बनी है और ये अज्जा किन किन तरीक़ों से अलग किए जा सकते हैं इल्म कीमिया की पाँचवीं शाखों हयातियाती कीमिया या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं इस शाख के ज़रिए जानदारों के जिसम में मौजूद मादों में कीमियाई तामलात और तब्दीलियों का मतलब किया जाता है हयातियाती कीमिया और मदिया यानि फार्मेसी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है वाइटमनस प्रोटीनस हारमोन्स और दीगर ऐसे कीमियाई मरकबात जो हयातियाती अमलों में अहम किरदार अदा करते हैं हयातियाती कीमिया में शामिल हैं इल्म कीमिया की छठी शाख को न्यूकलियाई कीमिया यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं इस शाख के ज़रिए तबकार अनासर और जोहरों के मरक़ में होने वाली तब्दीलियों और इनसे हासिल होने वाली तवानाई के बारे में मताल किया जाता है इल्म कीमिया की सातवीं की शाख को सनती कीमिया या इंडस्ट्रियल केमस्ट्री कहते हैं इस शाख के जरिए मुख्तलि सनतों में कीमियाई अवामिल के ज़रिए खाम माल से तैयार शुदा अशिया के मुख्तलिफ़ मराहल का मताल किया जाता है इल्म कीमिया की आठवीं शाख को मालियाती कीमिया यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं इस शाख के ज़रिए माहौल में पाए जाने वाले कीमियाई मादों और रोजमर्रा ज़िंदगी पर इनके असरात का मतलब किया जाता है नाज्रीन ये तो थी चंद बातें इल्म कीमिया की शाखों के बारे में आइए आप देखते हैं कि इल्म कीमिया के की रूह से चीज़ों की पैमाइश किस तरह की जाती है इल्म कीमिया में कोई भी अमल करने के लिए कीमियाई मतमलत यानी रेक्टेंट्स का आपस में कीमियाई तौर पर मिलाप किया जाता है और प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं इन मतमलत और हासिल की पैमाइश के लिए बैन अवी सतह पर अकाइयों का एक निज़ाम तरतीब दिया गया है जिसे एस आई यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं तजर्बा गाह में किसी भी चीज़ का वजन या कमियत मालूम करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस एनालिटिकल बैलेंस और डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अलावा हजम की पेमाइश के लिए लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं आइए देखें कबलात कौन से हैं ठोस अस्साम या बेकायदा शक्लों का हजम मालूम करने के लिए दर्जादार सिलेंडर यानि ग्रेजुएटेड सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा मायात का हजम भी ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स की मदद से मालूम किया जा सकता है किसी भी माया की मतलूबा मक़दार उसके हजम के लिहाज से मालूम करने के लिए पैमाइशी बीकर यानी मयरिंग बीकर इस्तेमाल किए जाते हैं मुकर मकदार के महलोल तैयार करने के लिए पैमाइशी सराई यानी मैरिंग फ़्लास्क इस्तेमाल की जाती है किसी भी माया का सिर्फ एक मुकर्रा हु मालूम करने के लिए नालचा यानी पिपट इस्तेमाल की जाती है जर्फिक या ब्यूरेट भी किसी माया के हुजम के तजिए में इस्तेमाल होती है किसी भी माया के हुज... की कसाफत इजाफी या डेंसिटी मालूम करने के लिए एक बहुत छोटी सी बोतल इस्तेमाल होती है जिसे कसाफ़त इजाफी की बोतल या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल कहा जाता है दर्जा हरारत की पैमाइश या टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो आला लेबॉर्टरी में इस्तेमाल किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं थर्मामीटर के बल्ब में जो माया इस्तेमाल होता है वो अल्कोहल या मरकरी होता है नाज़रीन ये तो तीन चंद कीमिया में पेमाइश और उनके इस्तेमाल में आने वाले आलत के बारे में आइए अब हम ये देखते हैं कि रोजमर्रा ज़िंदगी इल्म कीमिया को क्या अहमियत हासिल है हमारी रोजमर्रा ज़िंदगी कीमिया को बहुत अहम मकाम हासिल है जो कि ना सिर्फ़ हमारे रहन सहन बल्कि हमारे जिसम की नशोनमा के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक रखती है हमारे जिसमें वक्ता फ़वका तरह तरह की तब्दीलियाँ वाक़ होती रहती हैं मसला ख़ुराक का हज़म होना और खून का बनना वग़ैरह और इस तरह के दीगर अहम इल्म के साथ मुंसलिक हैं मुख्त्य बीमारी से बचाव और सेहतमंद ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए मुफीद अद्वियात और मतवाजन गज़ा की ज़रूरत होती है और ये अद्वियात मसलन पेंसिलिन एस्प्रिन और दीगर बेशुमार कीमियाई मरकबात इल्म कीमिया के ज़रिए ही तैयार किए जाते हैं इसके अलावा मसनू पार्चाजात सिंथेटिक फाइबर्स यानि नायलॉन पोलियस्टर और प्लास्टिक की मुख्तलिफ अकसाम रबड़ सीमेंट घी रंगोरोगन और शक्कर वगैरह भी इल्म कीमिया के जरिए ही बनाए जाते हैं इसके अलावा बेशुमार जंगी साजो सामान जहरीली गैसें, आतिश की मादे और गोला बारूद भी कीमियाई अवामिल से ही तैयार किए जाते हैं फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मसनू खाद मसल यूरिया अमोनियम सलफ़ेट कैल्शियम सुपरफॉसफेट साइस्ानों की तहकीक का नतीजा है पेट्रोलियम की सनत से बेशुमार कीमियाई मरकबात तैयार किए जाते हैं जिनसे नामियाती मरकबात हासिल होते हैं और जिनसे कीमियाई अद्वियात के तौर पर काम लिया जाता है जिनसे मोहलक बीमारियों का तदारुक किया जाता है पेट्रोलियम से पेट्रोल मिट्टी का तेल और घरेलू गैस भी हासिल की जाती है नाजरीन अभी आपने इम कीमिया की तारीफ़ इसके मुख्तफ अदवार में इसकी तरक्की इसके असूल और रोज़मर जिंदगी में इसके अहमियत और इसकी मुखलिफ शाखों के बारे में मालूम किया हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको अपने दरसी मवाद को समझने में आसानी हुई होगी अब आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज